फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपका एक बार फिर अपने चैनल ब्लश बाय प्रीति सलूजा में। और आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए ये आई मेकअप ट्यूटोरियल, जिसके अंदर बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स का यूज हुआ है। ये कट क्रीज आई मेकअप जो कि आज हम देखेंगे, और इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, कैसे हमने ये आई मेकअप करा है, इसकी सभी की डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को बहुत पसंद किए हैं, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं और बहुत सराहा जा रहा है मेरे को, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और मैं बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो चीज़ आप मुझे पर्सनली या फिर मेरे व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं, वो चीज़ प्लीज़ आप मुझे यहाँ कमेंट में बोलें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये सच में अच्छा है या नहीं है। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें। सबसे पहले हमने आई मेकअप में करी है यहाँ आई कंसीलिंग, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। और ये आई कंसीलर लगाया है हमने मैट। प्रॉपर आई कंसीलिंग करनी है ताकि हमारे कलर सारे बहुत अच्छे से आए। आप कोई भी मैट कंसीलर कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ज्यादा क्रीमी ना हो क्योंकि उससे क्रीज पड़ सकती हैं। तो अच्छे से ब्लेंड करते हुए प्रॉपर आप कंसीलिंग करें आईज की। प्रॉपर कंसीलिंग करनी है अच्छे से पूरे पूरी आई सॉकेट एरिया में, ताकि आपका काम और सुंदर और अच्छे दिखाई दे सके। प्रॉपर मर्ज कर रहे हैं इस कंसीलर को। इसके लिए मैंने ब्रश जो लिया है वो लिया है रियल टेक्निक का। आप कंसीलर ब्रश या जो छोटे मिनी वाले ब्लेंडर्स होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। इसके बाद में हम सेटिंग पाउडर से इसको सेट कर रहे हैं। आप कोई भी लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर टीएल कोई सा भी आप ले सकते हो, जिससे इसको सेट किया जा सके। आप आई शेडो जो लाइट मैचिंग शेड्स हो उसके साथ में भी इसको सेट कर सकते हो, ताकि हमारी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। आई शेडो के लिए पैलेट हमने लिया है ये आई मैजिक का। इसमें से ले रहे हैं हम ये वाला ब्राउन शेड। आप कोई सा भी ब्राउन शेड ले सकते हो जो आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए किसी भी पैलेट में से लिया जा सकता है। हमने ये वाला लिया है, और आप इसे जो एंगुलर ब्रश होता है उससे अच्छे से आईब्रोज को शेप देंगे। हमें बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करनी थी अपनी आईब्रोज, इसलिए हमने पाउडर से किया है। आप जेल से भी कर सकते हैं, आईब्रो पेंसिल से भी कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हो आप उनसे कर सकते हैं। इसे बहुत नेचुरल लगता है। आप कोई भी मैट शेड ले सकते हैं, शिमरी शेड ना लें और ब्लैक भी ना लें। डार्क ब्राउन या ब्राउन के ही कलर से आप करेंगे तो नेचुरल दिखाई देगा। हमने आई मैजिक का ही ये पैलेट यूज किया है अपने सारी आई मेकअप में। इसमें से एक लाइट शेड लेके हमने उसको आई सॉकेट पे ब्लेंडिंग शुरू की है, और हमने पैलेट में से शेड लिया है ये वाला लाइट पिंक सा शेड है ये, और सॉकेट एरिया पे इसकी ब्लेंडिंग शुरू कर दी। अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, लाइट टू डार्क में हम चलेंगे। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। हमने ब्रश यूज करा है पैक का।
हल्के हाथ से ब्लेंड करते हुए पूरे प्रॉपर कलर को फिक्स करना है। इसके बाद में हम सेम पैलेट से ही शेड लेंगे एक और, जो इससे थोड़ा सा डार्कर है, वो ये पिंक शेड है। इसको हम प्लेस करेंगे अच्छे से। ट्रांजेक्शन लाइन से थोड़ा सा नीचे सॉकेट एरिया जो लाइन होती है वहां से वहां पे, और उससे थोड़ा सा और डार्कर शेड लिया है हमने सेम पैलेट से। हम सारा शेडोज इसी पैलेट से यूज करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हमें थोड़ा प्रोडक्ट पहले लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेके हम करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। एकदम से ही ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, उससे उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता। तो अगर आप अपना आई मेकअप ब्लेंडेड और बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप शेड्स को लाइट टू डार्क के उसमें चुने और बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लेके उसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए ही लगाएं। आप जितनी बार मर्जी चाहे उतनी बार शेड ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको शेड लेने में सोचना है आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे तो आपको जहाँ तक जितना डार्कर चाहिए, जितना आप अपना कलर इंटेंस चाहते हो उतना आप कर सकते हो। हमें इस आई मेकअप के लिए थोड़ा सा जो कलर है वो इंटेंस चाहिए, इस कट क्रीज को करने के लिए हमें थोड़ा सा डार्कर शेड चाहिए। वाइब्रेंट, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आई मेकअप जो है थोड़ा वाइब्रेंट रहेगा हमारे शेड्स का, तो इसीलिए हम थोड़ा सा लाउड जा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद में उतना लाउड दिखेगा नहीं, थोड़ा सटल हो जाएगा, कट क्रीज में आ जाएगा। तो इसीलिए अच्छे से शेड लगाएं और उसे ब्लेंड कर दें, कोई लाइंस ना रहें। अब हमने इसी पैलेट में से लिया है ये व्हाइट कलर, जो कि हम यूज करेंगे जो हमारे आई शेडो की जो लाइंस हैं उसको ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट कलर चाहते हैं। प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा आ गया, हम थोड़ा सा सॉफ्ट चाहते हैं, इसलिए हम जो लाइन है उसको ब्लेंड कर रहे हैं इससे व्हाइट कलर के साथ में, ताकि शेड जो है वो लाइटर हो जाए तो काफी सुंदर दिखाई देगा। थोड़ा पाउडर हमारा इस पे आ गया तो मैं कलर दोबारा से लूंगी। एक्चुअली ये हमारा टीम वर्क है, हमारे हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है, तो ये किसी एक जने का काम नहीं है। आप हम कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट चाहते हो, या अगर आपको सीखना है तब भी। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप फ्रीलांसिंग के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमने सेम पैलेट से लिया है ये पर्पल शेड, इसको प्लेस करें हम कॉर्नर पे, डैप करते हुए फिक्स कर रहे हैं इसको। जैसे मैंने आपको कहा कि लाइट टू डार्क चलना है, एकदम से डार्क कलर्स नहीं लेना, तो हम लोग डार्क कलर्स एकदम से नहीं उठाते, बहुत थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ग्रेडिएशन इफेक्ट्स के साथ में, ताकि आपका काम जो है वो सुंदर दिखाई दे और जहां तक हम चाहते हैं वहां तक उसको ले जा सके। अगर हमें डार्क चाहिए तो डार्क, मीडियम चाहिए तो मीडियम, और लाइटर चाहिए तो लाइटर। हम सेम पैलेट का एक और ये ब्लूइश पर्पल शेड ले रहे हैं अपने कलर को थोड़ा सा और डार्क दिखाने के लिए, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाने के लिए। उसके बाद में हमने किया है अपने क्रीज को कट,
किस कंसीलर से आप कोई भी कंसीलर ब्रश लेके क्रीज को कटिंग करें अपनी सॉकेट लाइन से नीचे नीचे, जो आपकी जो ट्रांजेक्शन लाइन हो उससे नीचे सॉकेट लाइन में हाफ सॉकेट तक हमने कट क्रीज की है, और अच्छे से कंसीलर लगाना है आपको ताकि नेक्स्ट कलर जो भी हम यहाँ पे लगाएं वो अच्छे से फिक्स हो जाए। कट क्रीज में बहुत सारे कट क्रीज होते हैं, हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज और डबल कट क्रीज, बहुत सारे, वो आगे आगे हम आगे वीडियोस आपके साथ में शेयर करेंगे। इसलिए कोई भी ऐसा ना सोचे कि ये ऐसा नहीं, ये तो ऐसा होता है, और मेकअप में बहुत कुछ होता है। तो आप जो देख रहे हो वो हाफ कट क्रीज हम कर रहे हैं, इसमें भी लेंथ काफ़ी सारी होती हैं, आप अलग अलग उसमें अलग अलग लेंथ देखते हो कि कितना कट किया है। अच्छे से सेटिंग करनी है आपको, अच्छे से प्लेस करना है, फिनिश करना है बहुत अपने कंसीलर को, अपनी लाइन को बहुत क्रिस्प, बहुत अच्छी रखना है ताकि आपका फिनिश लुक लगे। ये हमने कर दिया है, अब अपना कट क्रीज मुझे इतना चाहिए था तो हमने इतना करा है, और अब हम करेंगे इस पे प्लेसिंग एक अलग शेड की, जो कि हम सेम उसी पैलेट से ले रहे हैं, येलो। इस शेड की हम प्लेसिंग करेंगे अपने कट क्रीज एरिया के ऊपर। हमने छोटे प्लेसिंग ब्रश से, आप ये ध्यान करें जब भी छोटा एरिया हो तो छोटा ब्रश और बड़ा एरिया हो बड़ा ब्रश, तो ब्रशेस का बहुत इम्पॉर्टेंस है, आपके टूल बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं आपके अच्छे काम के लिए, तो आप उस पर ध्यान दें और उनको ही सिलेक्ट करें। तो हमने छोटा ब्रश लिया है इस काम के लिए और हम कलर को प्लेस कर रहे हैं, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत प्यारा सा कलर है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है ये इस लुक में। अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से प्लेस करना है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके और फिक्स अच्छे से करते जाना है उसे और फिनिश करना है। आपको कम ज़्यादा जहाँ पे भी लग रहा हो उतना वहाँ पे उस आप फिक्स करो और काम थोड़ा ब्लेंड करते हुए ही करो, आपके जो शेड्स हैं वो एक प्रॉपर उसमें ना आए तो आपको शेड्स को ब्लेंड भी करते जाना है। जैसे अभी हम लोग जो पर्पल है उसको ब्लेंड करेंगे आगे की तरफ अपने येलो शेड के साथ में। हमें थोड़ा कलर पीछे फेड लग रहा है तो अब हम वहां पे दोबारा से कलर डिपॉजिट कर रहे हैं पर्पल, जो ब्लूइश पर्पल लास्ट हमने लिया था, और हल्का सा ब्लैक का टिंच भी हमने दिया है ताकि और कलर थोड़ा डार्क हो जाए। विंग लाइनर लगा रहे हैं, सिंपल विंग लाइनर, ज़्यादा एंगुलर नहीं रखते, हम इसमें एंगुलर लाइनर भी डाल सकते थे लेकिन आपकी मर्जी है, आप जैसा लाइनर लगाना चाहते हो आप वैसा लाइनर इसमें लगा सकते हो। तो हमने बहुत ज़्यादा एंगल में नहीं लगाया है इसको, ज़्यादा एंगुलर नहीं रखा है विंग लाइनर को, एक सॉफ्ट विंग लाइनर हमने इसको रखा है। आप कैट आई लाइनर भी लगा सकते हो इस आई मेकअप में। जेल लाइनर का यूज़ किया है हमने इसके अंदर, आप कोई भी जेल लाइनर ले सकते हो और बस ध्यान ये रखना है कि वो जेड ब्लैक हो ताकि आपका जो आई मेकअप है वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे, क्योंकि डल अगर होगा तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। हमने सेम पैलेट से ही एक लाइट शेड लिया है अपने हाइलाइटर के लिए और उसे ब्रो बोन पे फिक्स कर दिया है।
एक ग्लिटरी लाइनर हम लगा रहे हैं अपने कट क्रीज को और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए, बहुत खूबसूरत लगता है, आजकल इन भी है, और आपके आई मेकअप को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो आप कोई भी ग्लिटरी लाइनर ले सकते हो, कोई ग्लिटर भी विद ग्लू के साथ में भी आप लाइन कर सकते हो, और कोई आई पेंसिल ऐसा ग्लिटरी वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे मार्केट में लिक्विड लाइनर्स हैं, आप कोई सा भी उस पर ट्राई कर सकते हो। हमने सिल्वरिश टोन ली है, आप गोल्डन या फिर पर्ल टोन का भी लाइनर इस पर ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। हमने इसको पूरा नहीं लगाया है, जितना हमने येलो शेड अप्लाई किया था बस वहीं तक ही रखा है। और ये हमारा है फिनिश लुक जो हमने आई मेकअप का दिया है। नीचे लोअर लैश लाइन पे भी सेम शेड्स अप्लाई करे हैं जो हमने ऊपर करे थे, और मस्कारा से अपने लैश को प्रॉपर अच्छे से कलर किया है। हम थोड़ा जल्दी में थे और मिस कर गए आपको दिखाना जब हमने ये लैशेस अप्लाई करे। लैशेस एक्चुअली ये हमारे हैं रेड चेरी के, तो आप कोई भी लैशेस अप्लाई कर सकते हो जो भी आपके पास में है। तो ये हमारा था कंप्लीट लुक इस आई मेकअप का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा, और आप अगर आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लोगों को भी बताइएगा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। और आगे आप कौन सा मेकअप देखना चाहते हो वो भी बताइएगा। अभी हम कुछ आई मेकअप्स आपके साथ में और शेयर करना चाहते हैं, और उसके बाद में हम आपको कंप्लीट लुक भी दिख देंगे अलग अलग। एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो हम लोग खुद सोच भी पड़ जाते हैं कि पहले आपके लिए क्या लेके आए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आप उसके लिए भी बात कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ब्लश बाय प्रीति सलूजा, और इसे कैसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है उसमें भी बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते, तो उनके लिए भी मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया है। ये इस तरीके का बॉक्स आएगा जो वीडियो के जस्ट नीचे होता है, वहाँ पे आप इस बटन को से लाइक दे सकते हो मुझे, और जहाँ पे बागी लिखा हुआ है वो शेयर बटन है, तो आप वहाँ से शेयर कर सकते हो। और ये रेड जो आया था वो आपका सब्सक्राइब बटन था, इसके पास में ही ये बेल आइकन आएगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे इसको भी क्लिक कर देना है, तो मेरी आगे की वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपके उसमें आ जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही और पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच।